खबर आपको बता रहे हैं, अल्मोड़ा में गुलदार ने आतंक मचा रखा है। इस वक्त की खबर नहीं थम रहा, गुलदार का आतंक। अल्मोड़ा में घर में सो रहे शख्स को निवाला बनाया है, घर से दूर जंगल में मिला शव। तो वन विभाग अब तक गुलदार को पकड़ने में नाकाम रहा है, गुलदार को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है, जिसकी वजह से आए दिन घटनाएं होती हैं और फिर से एक बार एक शख्स को का शिकार किया है गुलदार ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं और अभी तक वन विभाग गुलदार को पकड़ने में नाकामयाब रहा है। अल्मोड़ा में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, घर में सो रहे शख्स पर हमला किया है, शिकार किया है। नसीम अहमद हमारे संवाददाता इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नसीम, एक शख्स पर हमला किया है गुलदार ने, क्या जानकारी है? बारिश किनारे सील गांव का मामला है। कल देर रात की पूरा परिवार रामलीला देखने गया हुआ था, वो घर में अपने सोया हुआ था। अचानक गुलदार आया और उसको उठाकर ले गया, उसने अपना निवाला बनाया। आज सुबह उसकी डेड बॉडी नदी किनारे मिली है, जिसको लेकर ग्रामीणों का काफी आक्रोश है और वन विभाग के प्रति। और ग्रामीणों ने सीधे सबसे मांग की है कि वहाँ पे पिंजरा लगाया ताकि गुलदार को पकड़ा जा सके। नसीम, वन विभाग का क्या कुछ कहना है इस घटना पर? एक शख्स की जान चली गई, क्या वजह है कि वन विभाग अभी तक गुलदार को ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाया? क्योंकि जब वन विभाग के संबंधित अधिकारी से संबंध में बात हुई तो उनका सीधे शब्दों में कहना था कि हम इसमें यहाँ पिंजरा लगाएंगे, क्योंकि पूरा पहाड़ी क्षेत्र और जंगल का क्षेत्र होने के कारण गुलदारों की संख्या यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में है और गुलदार रहते हैं। और जाड़ों के सीजन इस समय गुलदार काफी बाहर निकलता है, तो वहाँ पे पिंजरा लगा करके उस गुलदार को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया नसीम तमाम जानकारी के लिए। गुलदार को पकड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे पहले गुलदार लगातार लोगों का शिकार कर रहा है और एक बार फिर से एक शख्स का शिकार किया है। खबर इस वक्त अल्मोड़ा से आपको बता रहे हैं।